राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ा है। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वर्ल्ड की इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में, इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे और शहरों और गांवों में ODF प्लस और ODF 2 प्लस दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। प्रत्येक घर में शौचालय, 98% घरों में इस लक्ष्य को हमने हासिल किया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, यह भी हम करेंगे। सभी घरों में स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना चाहिए। नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। नेशनल हाईवेज की लंबाई है जितनी, उसको हम 2 गुना करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। हम इस लक्ष्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। 2022 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगभग अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो जाए। 2020 तक यह भी हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण वह पूरा हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, यह तिल काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेज की भी स्थापना की जाएगी और गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेली मेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। ट्रेन डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात आज बहुत अधिक है, डॉक्टर्स की संख्या हमारे कम है। पूरी कोशिश हम लोगों की होगी ट्रेन डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रेशियो कम से कम 1:1400 1:1400 हो जाए, यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है,
गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी स्वीकार करते हैं। जहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेज लाए हैं। चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है, करों के रूप में, वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे, यह भी हम लोगों का संकल्प है। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे।